नेशनल टेस्टिंग एजेंसी CUET एंट्रेंस एग्जाम जो कि बच्चों को खुशियां देने वाला, बच्चों का एडमिशन कराने वाला, बच्चों को भविष्य बनाने वाला एक एग्जाम, बच्चों के लिए खतरा साबित होता जा रहा लगातार। जी मैं बात कर रहा हूँ CUET PG एग्जामिनेशन की, जो लगातार चल रहा है पिछले 4-5 महीनों से, मई से जून से बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अप्लीकेशन फॉर्म आने के अंदर बहुत ही ज़्यादा देरी हो जाती है, एग्जाम सेंटर्स के अंदर बहुत ही बड़ा इशू देखने को मिलता है, CUET PG एग्जामिनेशन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट को ये इशू फेस करना पड़ा क्योंकि एग्जाम सेंटर्स के स्टेट चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया गया, उसके कारण स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है वो ओनली 40-55% रही है। हालांकि CUET PG एग्जामिनेशन के अंदर 9 लाख बच्चों ने अप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, लेकिन अप्लीकेशन फॉर्म की अटेंडेंस अपियरिंग इन द एग्जाम ओनली 3,15,35,000 के आसपास बच्चों की देखी गई। अभी क्वेश्चन ये आता है कि हमारा जो रिजल्ट है CUET PG का वो कब तक डिक्लेयर किया जाएगा। हालांकि CUET PG का जो रिक्लेयर्ड है रिजल्ट है वो 25 सितंबर तक आने के पूरे चांसेस है, लेकिन यह समस्या यहीं पे खत्म नहीं होती है। CUET PG रिजल्ट आने के बाद एक बड़ी समस्या बच्चों को चुनौती ये रहती है टू गेट द एडमिशन इन द यूनिवर्सिटीज। आखिरकार कितने स्कोर पे यूनिवर्सिटी में बच्चों को एडमिशन देगी और आखिरकार बच्चे कैसे ले एडमिशन, वो बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहते हैं MBA, MSc, इंटीग्रेटेड कोर्सेज एंड इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम। अब स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके पास 100 से भी ज़्यादा कॉलेजों के अंदर एक कॉलेज भी अगर 200 रुपये चार्ज कर रही है पर बच्चे से तो एक स्टूडेंट के लिए ये दे पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि रूरल एरियाज के बच्चों के लिए इसका प्रोसेस भी समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि CUET PG एग्जामिनेशन को 28 लैंग्वेज के अंदर कंडक्ट कराया गया, उसके साथ ही जनरल टेस्ट, डोमेन एंड मेनी लैंग्वेज के अंदर स्टूडेंट को एग्जाम भी देना पड़ा। एग्जाम सेंटर्स के अंदर स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसका सबसे बड़ा इशू था एग्जाम सेंटर एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड लास्ट सेंटर इशू के कारण डेट चेंज हो जाना, डेट सिटी इंटीमेशन का चेंजेज होना, जिसके कारण स्टूडेंट एग्जाम के अंदर अपीयर ही नहीं हो पाए और ओनली 40-55% अटेंडेंस दर्ज की गई CUET PG एग्जामिनेशन की। सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट को ये देखनी पड़ रही है कि भैया हम कौन से सेंटर्स, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें और आखिरकार हम अप्लाई करें तो कैसे करें। वो स्टूडेंट आर बिलोंग फ्रॉम द अदर एरियाज, रूरल एरियाज, और जिनके पास सबसे ज़्यादा बड़े साधन नहीं है उनके लिए एक समस्या बनता जा रहा है ये एग्जाम। CUET एडमिशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट किया जाएगा, क्या हमें करना पड़ेगा, इसके लिए सारा का सारा प्रोसेस आपको बताया जाएगा फ्यूचर ऑफ इंडिया YouTube चैनल पे, सो यू कैन सब्सक्राइब नाउ। और NTA का ये फर्स्ट टाइम किया गया एग्जाम स्टूडेंट के लिए लगातार गलत साबित होता जा रहा है।